नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिटनस रोग के बारे में। एक्चुअली में है क्या ये टिटनस रोग, मैं आपको बता दूं बेटा, ये बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु से होने वाली एक बीमारी है। इस वीडियो में हम आपको टिटनस के बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि इसका पैथोजन का नाम क्या है, यानी कि रोगजनक का नाम क्या है, इसका वेक्टर क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसका उपचार क्या है, ये क्यों फैलता है और कैसे फैलता है, इसके लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, और भी बेटा इसके लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में टिटनस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के जवाब गाइस इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना। लेकिन बेटा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, ह्यूमन डिसीज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। ऐसे रोग बेटा जो मानव में होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है मानव रोग। यहां पर एक शब्द आ रहा है रोग, यानी कि डिसीज है क्या भैया रोग। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये एक संगठन है जो विश्व स्तर पर काम करता है और इसका संबंध स्वास्थ्य से है। ये संगठन कहता है अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ है बेटा, तो वो व्यक्ति स्वस्थ होगा, अन्यथा वो रोगी कहलाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और इस चैप्टर की बेटा 10 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर इससे पहले कि आपने 10 क्लास नहीं देखी है तो भैया आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 11वीं क्लास है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरियल डिसीज, हम पढ़ रहे हैं भैया बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरियल डिसीज अर्थात जीवाणु जनित रोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। गाइज, बात आती है कि जीवाणु जनित रोग है क्या। ऐसे रोग बेटा जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जो जीवाणु के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है बैक्टीरियल डिसीज अर्थात जीवाणु जनित रोग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जीवाणु जनित रोग क्या है, यानी कि बैक्टीरियल डिसीज क्या है, तो ये ऐसे रोग होते हैं बेटा जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जो जीवाणु के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है बेटा बैक्टीरियल डिसीज। बात आती है कि बैक्टीरिया है क्या, जीवाणु है क्या। तो गाइज, मैंने जीवाणु के ऊपर भी क्लास ले रखी है। जैसे आप ये चैप्टर की शुरुआत करोगे प्लेलिस्ट से, तो प्लेलिस्ट में दूसरी जो क्लास होगी बेटा, उसमें मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, बैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव है, माइक्रोब्स है, इसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। अगर आपको बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में जानना है तो भैया इस चैप्टर को शुरू से पढ़िए, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब बात आती है ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं बेटा जो बैक्टीरिया के कारण होती है, और यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बेटा, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों में से मैंने 9 छांटी है, यानी कि 9 को सिलेक्ट किया है और उन 9 के बारे में आपको पढ़ना है। वो कौन कौन सी बीमारियां है बेटा, देखिए नंबर 1 पर आती है भैया टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक, क्षय रोग या यक्ष्मा रोग भी कहा जाता है। नंबर 2 पर आता है न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। नंबर 3 पर आता है टाइफाइड, नंबर 3 पर आता है भैया टाइफाइड। और बेटा नंबर 4 पर आता है सिफिलिस, नंबर 5 पर आता है भैया प्लेग, नंबर 6 पर आता है भैया कोलेरा, नंबर 6 पर आता है कोलेरा, नंबर 7 पर भैया आता है डिप्थीरिया, नंबर 8 पर आता है भैया टीटेनस, और नंबर 9 पर आता है भैया लेप्रोसी। ये 9 बीमारियां है बेटा जहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से मैंने आपको टीबी के बारे में पढ़ा दिया, न्यूमोनिया के बारे में पढ़ा दिया, टाइफाइड के बारे में पढ़ा दिया, सिफिलिस के बारे में पढ़ा दिया, प्लेग के बारे में पढ़ा दिया, कोलेरा के बारे में पढ़ा दिया, डिप्थीरिया के बारे में पढ़ा दिया और लेप्रोसी के बारे में पढ़ा दिया। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और ये सारी वीडियो देख सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि इस चैप्टर की मैंने इससे पहले 10 क्लास करवा दिया है। अगर आपने वो 10 क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास को देखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप सिर्फ टिटनेस के बारे में जानना चाहते हो, टिटनेस रोग के बारे में जानना चाहते हो, तो ये वीडियो देखिए आप आगे। अगर आपको शुरू से बिल्कुल आसान भाषा में अच्छे कंटेंट के साथ में अगर बेटा ये चैप्टर पढ़ना है तो आप क्लास 1 से जाकर के देखिए।
इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेटा टिटनेस के बारे में, और यहां से जितने भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन बेटा मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कराने वाला हूं, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कहीं और जगह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है टिटनेस रोग के बारे में। जितने भी क्वेश्चन आपसे आज तक इस परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे की एग्जाम हो, एसएससी की एग्जाम हो, या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई दिक्कत नहीं है। विश्वास रखिए हम पर और आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सारी की सारी ये चीजें याद करा दी जाएगी। अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है मेरे साथ में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर चेकआउट कर लीजिए प्लेलिस्ट में। और हर बार, हर महीने, हर रोज मैं आपको कुछ नया देने की कोशिश करता हूं, बहुत अच्छा कंटेंट। मुझे 3 साल काम करते हो गए इस क्षेत्र में, मैंने आपके किताबों को पढ़ा है, मैंने आपके एग्जाम के क्वेश्चन किए हैं। अगर मेरे से आते हैं तो आपसे भी आएंगे और आपके एग्जाम में आपसे जरूर क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। इस चैप्टर की क्लास हर रोज शाम 7 बजे आती है, तो जरूर 7 बजे तैयार रहा करो, जरूर देखा करो। स्क्रीनशॉट ले लिया ये? ओके, तो हेडिंग लगा लीजिए टिटनेस डिसीज, टिटनेस डिसीज हिंदी में कहा जाता है टिटनेस रोग, सेम नाम है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं इन्हें मिटा देता हूं, तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अरे भाई अच्छा कंटेंट मिल रहा है फ्री में, आपसे 1 रुपए भी नहीं लिया जाता तो फिर पढ़ने में क्या परेशानी है। पर वो कहते हैं ना कि भैया फ्री का सौदा जचता नहीं है, बस वही वाली बात है। अगर पैसे दे के पढ़ते हो तो तुम पढ़ते, अब फ्री में अच्छा कंटेंट दिया जाता है तो भैया कोई पढ़ने का नाम नहीं है। तुम्हारी मर्जी, हमारा काम है पढ़ाना, आप नहीं पढ़ोगे तो कोई आपका दोस्त पढ़ेगा। देखिए बेटा टिटनेस रोग के बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि टिटनेस रोग एक बैक्टीरियल डिसीज है, यानी कि जीवाणु जनित रोग है, यानी कि बेटा ये ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया के कारण हुआ है, जो जीवाणु के कारण हुआ है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट यही लिखता हूं कि टिटनेस डिसीज एक बैक्टीरियल डिसीज है, एक बैक्टीरियल डिसीज है, एक बैक्टीरियल डिसीज है, अर्थात जीवाणु जनित रोग है। और बेटा यहां से भी आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि निम्न में से किस रोग का संबंध बैक्टीरिया से है, या निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 3 ऑप्शन वायरस से होने वाली बीमारियों के दे दिए जाएंगे और 1 ऑप्शन बेटा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के दे देगा। तो आपको वही आंसर करके आना है जो बैक्टीरिया से होती है, क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछी है। अब बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो अभी मैंने आपको बताया है, टीबी हो गया, न्यूमोनिया, टाइफाइड, सिफिलिस, डिप्थीरिया, टिटनस, प्लेग, कोलेरा, लेप्रोसी, ये सभी के सभी बीमारियां बेटा बैक्टीरिया के कारण होती है, जीवाणु के कारण होती है। तो नंबर 1 पर आपको क्या याद रखना है कि टिटनेस डिसीज एक बैक्टीरियल डिसीज है, अर्थात जीवाणु जनित रोग है। यह सर रोग है बेटा जो बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। बात आती है किस बैक्टीरिया के कारण होता है, उस बैक्टीरिया का नाम तो बताओ भाई, उस बैक्टीरिया का नाम तो बताओ, उस जीवाणु का नाम तो बताओ कि जिस जीवाणु के कारण यह टिटनेस रोग होता है। तो बेटा उस बैक्टीरिया का नाम है, उस जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रोडियम टिटेनी। क्या? क्लोस्ट्रो डीएम टिटेनी, क्लोस्ट्रोडियम टिटेनी। क्या है भैया? क्लोस्ट्रोडियम टिटेनी, यह एक बैक्टीरिया है और इसी बैक्टीरिया के कारण बेटा आपको टिटनेस रोग होता है। कैसे याद करोगे? पीछे टिटेनी है और टिटेनी का संबंध किससे है? टिटनेस से है। ऐसे याद कर सकते हो, याद करने की भी एक ट्रिक होती है। जैसे कि जो टीबी का बैक्टीरिया होता है उसका नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम
ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, ये टीबी का बैक्टीरिया है भैया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया ये टीबी का बैक्टीरिया है। इसी बैक्टीरिया के कारण टीबी होती है और टीबी को हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, ये आपको पता है ना, ये इसका पूरा नाम होता है बेटा टीबी का ट्यूबरक्लोसिस। तो आप देख सकते हो बेटा इस बैक्टीरिया के नाम में ट्यूबरक्लोसिस आ रहा है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो टिटनस के बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्लोस्ट्रोडियम टिटेनी। इसी बैक्टीरिया के कारण बेटा आपको टिटनस रोग होता है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा जो टिटनस डिसीज है यानी कि जो टिटनस रोग है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो बेटा आपको आंसर देना है क्लोस्ट्रोडियम टिटेनी। और बेटा एक शब्द और है, वो है पैथोजन। पैथोजन इसे हिंदी में कहा जाता है रोग जनक। जनक का मतलब होता है बेटा जन्म देने वाला, जन्म देने वाला किसको, रोग को। अब रोग को जन्म देने वाला कौन है, इस टिटनेस रोग को जन्म देने वाला कौन है, तो आप कहोगे कि भैया वो तो बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रोडियम टिटेनी। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्लोस्ट्रोडियम टिटेनी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से कि भैया जो टिटनेस रोग है, इस टिटनेस रोग का पैथोजन क्या है, तो इस टिटनेस रोग का पैथोजन होता है बेटा क्लोस्ट्रोडियम टिटेनी। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टिटनेस रोग का रोग जनक क्या है, तो भैया क्लोस्ट्रोडियम टिटेनी है। इस प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं बेटा जो इस तरीके से पैथोजन के नाम पूछे गए हैं आपसे। वेक्टर वाहक भी जरूर पूछा जाता है, तो ये जो बीमारी होती है ये किसके कारण फैलती है भाई, ये बीमारी जो होती है वो किसके कारण फैलती है। देखिए ये बीमारी फैल सकती है मिट्टी के कारण, से सोइल कहते हो, धूल, गोबर, और बात करें बेटा तो लोहे की कोई छड़, लोहे की कोई छड़ या जंग लगे हुए लोहे की कोई छड़, इन सभी के कारण बेटा आपको टिटनेस रोग हो सकता है। तो ये सभी क्या हो गए बेटा, वेक्टर, ये सभी हो गए भैया वेक्टर। ये सभी क्या है, ये सभी है बेटा वेक्टर, यानी कि वाहक। जो रोग को फैलाता है उसे कहा जाता है बेटा वेक्टर वाहक, जिसके कारण रोग फैलता है वो होता है बेटा वेक्टर वाहक। जैसे कि टिटनेस रोग है किसके कारण फैलता है, मिट्टी के कारण फैलता है, धूल के कारण फैलता है, गोबर के कारण फैलता है, लोहे की कोई छड़ है उसके कारण फैलता है। अब ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है, बात ये आती है, आपने देखा होगा बेटा बहुत सारे जो बैक्टीरिया है वो हमारे मुंह की सहायता से पहुंचते हैं, नाक की सहायता से हमारे शरीर में पहुंचते हैं, सेक्सुअली ऑर्गन की सहायता से बेटा ये बैक्टीरिया हमारे शरीर तक पहुंचते हैं। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रोडियम टिटेनी, ये बैक्टीरिया बेटा हमारे शरीर में कैसे पहुंचेगा, तो मैं आपको बता दूं, जब आपको चोट लगती है तो चोट लगने के बाद में जो घाव होता है उसी घाव से होता हुआ बेटा ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में पहुंचता है। नोट लगाकर लिख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, घाव वाले स्थान से, दिख रहा है ना आपको, हां घाव वाले स्थान से, घाव वाले स्थान से ये बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करते हैं, शरीर में प्रवेश करते हैं, शरीर में प्रवेश करते हैं, घाव वाले स्थान से बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करते हैं। देखिए बेटा मान लीजिए आप सब्जी काट रहे हो या कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो भी कुछ काट रहे हो आप, तो चाकू से काटते हो, चाकू आपके हाथ में लग गया, घाव हो गया। अब चाकू किसका बना हुआ होता है, लोहे का। तो मैंने कहा अगर चाकू पुराना है तो बेटा ये जंग लगे हुए लोहे पर भी ये बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, तो वहां से भी बेटा ये आपके शरीर में प्रवेश कर सकते। अधिकांश आपने देखा होगा गांव में ऐसा कहा जाता है कि कोई लोहे से अगर शरीर पर कहीं पर भी चोट आ जाती है तो उसको टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है,
उसको टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है बेटा? क्योंकि ये जो लोहा होता है, जो लोहे की छड़ होती है, जो पुरानी लोहे की छड़ होती है, यानी कि जंग लगे हुए लोहे की कोई छड़ होती है बेटा, तो उसकी सहायता से ये बैक्टीरिया आपके शरीर में पहुंच सकता है। या फिर मान लीजिए आपको चोट लगी, अब आप धूल मिट्टी में घूम रहे हो, आपने उस पर कवर नहीं किया है कि नहीं है, आप गोबर में जा रहे हो, तो इस जगह से बेटा ये घाव वाले स्थान से ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। जैसे कि आप चल रहे हो, आपके पैर में कील लग गई, अब कील होती है वो लोहे की है, पता नहीं कब की पड़ी हुई है, पुरानी है, तो उस पर भी बेटा ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से घाव वाले स्थान से ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। बात आती है कि इसके सिम्टम्स, इस रोग में सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं आपको भाई, इस रोग में क्या सिम्टम्स, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? तो ध्यान रखना बेटा, जो मैं बता रहा हूं स्पष्ट रूप से ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है, यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, आपके जो होंठ होते हैं, आपका जो जबड़ा होता है, आपका जो गला होता है, इनकी मांसपेशियों में बेटा, इनकी मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, इनकी मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, इनकी मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है बेटा। मैंने क्या लिखा, होंठ जबड़ा व गला की मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, विशेषकर गले की जो मांसपेशियां होती है उनमें खिंचाव आ जाता है, उनमें अकड़न आ जाती है, जिससे क्या होता है बेटा, जबड़े की मांसपेशियों में भी अकड़न आ जाती है, जिससे आपका जबड़ा लोक हो जाता है। तो दो नंबर पर लिख सकते हो आप कि इसमें जबड़ा लोक हो जाता है, जबड़ा लोक हो जाता है बेटा। अगर भैया आपका जबड़ा लोक हो गया तो आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि सांस लेने में परेशानी आती है, मुंह से आपका मुंह अच्छे से खुलता नहीं है, आपको भोजन खाने में भी प्रॉब्लम आती है, यानी कि भोजन निगलने में भी प्रॉब्लम आती है, आपको पानी पीने में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि गले की, होंठ की और जबड़े की मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है बेटा, तो आपका जबड़ा लोक हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें भैया। एक तो और बात करें, यह भी मैंने बताया, ये भी सिम्टम्स है, जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, श्वास लेने में प्रॉब्लम, भोजन व पानी में प्रॉब्लम, इन सभी में प्रॉब्लम आती है। नंबर चार पर भैया आपका बुखार आएगा, खतरनाक तरीके से सिर दर्द करेगा, और बेटा आपको पसीना आएगा। इसके अलावा आपकी बीपी हाई हो सकती है, और नंबर छह पर आपकी जो हार्ट बीट है, आपकी जो हृदय की धड़कन है बेटा, वो बढ़ सकती है। ये सिम्टम्स है बेटा, ये आपको देखने को मिलते हैं। और इस बीमारी में क्या होता है, तो ये जो बैक्टीरिया होता है बेटा, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये बैक्टीरिया आपके ब्लड में भी इंफेक्शन करेगा, यह आपके ब्लड में भी इंफेक्शन करेगा, यह आपके ब्रेन में भी इंफेक्शन करेगा, यह आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है, धमनी सिराए ब्लड वेसल्स, उनमें भी इंफेक्शन करेगा। और बात करें तो ये स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जू, उसमें भी बेटा ये इंफेक्शन करता है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें जो प्रभावित तंत्र होता है भैया, वो नर्वस सिस्टम है, इसमें बेटा नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, नर्वस सिस्टम प्रभावित तंत्र है बेटा इसमें। अरे भैया, जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इंफेक्शन हो रहा है इस बैक्टीरिया की वजह से, तो भैया प्रभावित होगा ये आपका नर्वस सिस्टम, क्योंकि आप सभी को पता है नर्वस सिस्टम में बेटा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि आपके मस्तिष्क और मेरुरज्जू के बारे में पढ़ा जाता है। प्रभावित अंग कौन कौन से होंगे, आपका ब्रेन होगा बेटा और आपका स्पाइनल कॉर्ड होगा, ये दो मुख्य अंग हो जाएंगे जो इस रोग में प्रभावित होंगे। ये कुछ लक्षण दिखाई देते हैं आपको, इतनी बात क्लियर है। अब यहां से आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार मैं फिर बता देता हूं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी एक बैक्टीरिया से संबंधित है, बैक्टीरिया से होने वाली कौन सी बीमारी है, तो आपको आंसर देना है टिटनेस। टिटनेस किस बैक्टीरिया से होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इस टिटनेस का पैथोजन कौन है, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इस टिटनेस का रोगजनक कौन है, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी।
इस टिटनेस रोग का बेटा वेक्टर यानी कि वाहक क्या है, तो मिट्टी हो सकती है, धूल हो सकती है, गोबर हो सकती है, जंग पड़ा हुआ लोहा हो सकता है, या लोहे की कोई छड़ हो सकती है। मैंने कहा कि ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में घाव वाले स्थान से प्रवेश करते हैं, और इसमें क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, होठ जबड़ा गला की मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, पेट में ऐठन आ जाती है, भूख कम लगती है बेटा, और बात करें आपके जबड़े लोक हो जाते हैं इस रोग में, और बात करें अब जबड़े लोक हो जाएंगे तो श्वास लेने में भी प्रॉब्लम होगी, भोजन निगलने में भी प्रॉब्लम होगी, पानी पीने में भी प्रॉब्लम होगी आपको, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं आपको। इसके अलावा बुखार होगा, तेज सिर दर्द होगा, पसीना आएगा, बीपी बढ़ जाएगा आपका, हार्ट बीट हड्डे की धड़कन बढ़ जाएगी, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया होता है बेटा क्लोस्ट्रोडियम टिटेनी, ये आपके ब्लड में, आपके ब्रेन में, आपकी ब्लड वेसल्स में और बेटा आपके स्पाइनल कोड में, इनमें इंफेक्शन कर देता है जिससे आपका नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया टिटनेस रोग में कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तो नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, और टिटनेस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो बेटा आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड। अब बात आती है कि इसके लिए कोई वैक्सीन है क्या? जी हाँ बेटा, वैक्सीन है इसके लिए। इसके लिए टीका दिया जाता है भैया, और उस टीके का नाम होता है DPT। अब आप मेरी रोज क्लास नहीं देखते तो भैया आपको पता नहीं होगा कि भाई DPT वैक्सीन के बारे में भी बता रखा है सर ने। गाइज मैंने आपको बता दूं, जितने भी आपके एग्जाम में जो टीके हैं, जो वैक्सीन है, उनके बारे में पूछा जाता है, और वहां से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में और उन सभी टीकों के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। जैसे कि टीबी के लिए कौन सी वैक्सीन लगती है, पोलियो के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, चेचक रोग के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, और भी बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि DPT वैक्सीन के बारे में बता रखा है बेटा, MMR वैक्सीन के बारे में बता रखा है मैंने। जो DPT वैक्सीन है बेटा, ये डिप्थीरिया, पर्टुसिस, काली खांसी और टिटनेस रोग, इन तीनों रोगों के लिए बेटा ये वैक्सीन लगाई जाती है, DPT वैक्सीन। डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, पी का मतलब होता है पर्टुसिस, काली खांसी कहा जाता है, टी का मतलब होता है टिटनेस रोग। तो DPT, इस DPT वैक्सीन बेटा, ये जो DPT वैक्सीन है, ये टिटनेस रोग के लिए लगाई जाती है। तो आशा करता हूं बेटा ये सारे के सारे ही चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी भैया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। और इसके लिए बेटा टिटनस टॉक्साइड एक इंजेक्शन लगाया जाता है इस रोग के लिए 24 घंटे के अंदर। जैसे ही अगर आपको कोई घाव हुआ है या कोई लोहे की छड़ से अगर आपको लग गई है, तो टिटनस टॉक्साइड मैं लिख देता हूं यहां पर, टिटनस टॉक्साइड, ये इंजेक्शन लगाया जाता है बेटा इसके लिए, तो ये भी आपको याद रखना है। जो मैंने आज तक आपको पढ़ाया है इस क्लास में, जो मैंने आपको पढ़ाया है बेटा, क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से ही आएंगे, 100% संभावना है। इसलिए अच्छे से नोट्स बना लेना। और मैं आपको बता दूं बेटा कि हमारे पूरे के पूरे बैक्टीरियल डिसीज कंप्लीट हो गए हैं, सारे बैक्टीरियल डिसीज मैंने करवा दिए। अब हम वायरस डिसीज स्टार्ट करने वाले हैं, वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हर रोज शाम 7 बजे तैयार रहा करो। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।